दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक रुख अख्तियार कर चुकी है। पिछले 24 घंटे में 99 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर अकेले नवंबर की बात करें तो हर घंटे 4 लोग जान गंवा रहे हैं। कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार का अहम फैसला ले लिया गया है। अब शादी समारोह में मिली छूट को वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऐलान किया कि शादी समारोह में 200 लोगों की अनुमति के आदेश को वापस ले लिया गया है। अब सिर्फ 50 लोगों के इकट्ठे होने की अनुमति होगी और कोरोना की स्थिति सामान्य होने पर पहले 50 से ये संख्या 200 तक बढ़ाई गई थी, जिसे अब फिर से वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार फैलते हुए संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी, जिसमें नियमों के उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न होने की स्थिति में दिल्ली के भीड़भाड़ वाले बाजार को अस्थायी रूप से बंद करने की अनुमति मांगेगी। तो दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए और जो केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक दिल्ली में शादियों में 50 से बढ़ा के 200 तक की संख्या अलाउ की थी कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए अभी सुबह सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है कि अगर कहीं पे, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, हम उम्मीद करते हैं कि बाज़ारों के अंदर जो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वो भीड़ कम हो जाएगी और हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े और सारी कोशिशों के बावजूद भी अगर किसी बाज़ार में हम देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं किया जा रहा और वो एरिया एक तरह से लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है, तो उस वहाँ पे बाज़ार को कुछ दिनों के लिए एहतियात के तौर पे बंद करने की इजाज़त दिल्ली सरकार को दी जाए। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर चैनल जन उदय एंड हिट द बेल आइकन।